फेसबुक इंडिया बिल्कुल बायस्ड काम करता है, बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रहा है कांग्रेसियों के साथ, भाजपा के साथ में पूरी तरह से मिला हुआ है। ये बातें हम कई सालों से कर रहे हैं और अब ये बातें सत्य सिद्ध हो गई हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के आए दो लेखों के माध्यम से फेसबुक के उच्च अधिकारी भाजपा से मिल के काम करते हैं, मोदी जी के पट्टू बन के काम कर रहे हैं, ये उन आर्टिकलों में साफ साफ लिखा हुआ है। अंकित दास को ऑफिस के लोग मोदी जी की पोती तक कह के पुकारते हैं। ये बातें हमारे सामने आई हैं। हमारे अपने युवा कांग्रेस के प्रदेश लेवल के, जिला लेवल के, विधानसभा लेवल के, राष्ट्रीय तक स्तरों के हमारे पदाधिकारियों के पेजेस को ब्लॉक किया जाता है, आईडी को बंद कर दिया जाता है और तरह तरह की याचनाएं हम लोग झेल रहे हैं फेसबुक के सौतेले व्यवहार को चलते। आप ये देखिए कि जब ऐसे प्लेटफॉर्म जिन पे करोड़ों लोग प्रतिदिन अपना समय दे रहे हो और ये प्लेटफॉर्म अगर एक राजनीतिक दल के साथ में मिल के काम करें तो फिर हमारे देश में लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। यही प्लेटफॉर्म भाजपा के कंटेंट को जनता को 5 बार दिखाने का काम करते हैं और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को जनता को कम से कम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये भेदभाव पूर्ण रवैये की वजह से कांग्रेसी अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जबकि ऐसे प्लेटफॉर्म को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे कोई कांग्रेसी हो चाहे कोई भाजपाई हो। बहुत से साथी मुझे बार बार बताते हैं कि भैया जैसे ही मोदी जी के खिलाफ कुछ डालते हैं या भाजपा के खिलाफ कुछ डालते हैं तुरंत उनके पेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है और इस तरीके की तरह तरह की बातें हमने देखी। 2019 चुनाव के दौरान मैंने खुद जब हमारे विज्ञापनों को फेसबुक अप्रूव नहीं कर रहा था तो मैंने इसकी शिकायत शिवनाथ ठुकराल जी जो डायरेक्टर पॉलिसी के हैं फेसबुक के उनसे की थी। हमारी शिकायत के बावजूद हमारे विज्ञापनों को 7-7 10-10 दिनों तक रोका जाता रहा था और उसके बाद भी आज तक हम देख रहे हैं 1 साल बीत चुका है, फेसबुक के रवैये में कोई सुधार नहीं आया। ये भारतीय युवा कांग्रेस और हमारी तरफ से आखिरी चुनौती है, आखिरी चेतावनी है फेसबुक के पदाधिकारियों। या तो फेसबुक ऐसे बायस्ड पदाधिकारियों को हटाए, अपने रवैयों को सुधारे, अन्यथा हम लोग मजबूरन पूरे देश में फेसबुक को भारत में बैन करने का, इनके सारे प्रोडक्ट को भारत में बैन करने का एक महाअभियान छेड़ने को मजबूर होंगे। मेरा सभी अपने युवा कांग्रेस सोशल मीडिया के साथियों से, अपने कांग्रेस परिवार से निवेदन है, यदि आपके साथ भी फेसबुक में भेदभाव किया है, आपको भी परेशान किया गया है, आपकी आईडी बंद की गई है, आपके पेज को बंद किया गया है, तो आप भी अपना वीडियो बना के अपनी आवाज़ उठाएं।